आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो जो हमारा टारगेट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमने एक दिन का गैप दिया हुआ था क्योंकि आप लोग धीरे धीरे रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसे कल संडे है तो आज मैंने नहीं दिया था, यानी कि आज आप रिलैक्स कर लेंगे, तो संडे को जो आपका टारगेट रहेगा, इस बार संडे को हम रिलैक्स नहीं देंगे क्योंकि आज ही के दिन रिलैक्स दे दिया था, तो ये आपका रहेगा कल का टारगेट संडे का, ठीक है। तो अब हम मेन्स आरोह का ये खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर से पत्र लेखन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले जब पत्र लेखन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप पत्र लेखन कहाँ से यूट्यूब से कर लो और किस किस स्ट्रैटेजी के साथ करो, फिर मैं आपको टारगेट दूंगी। तो पत्र लेखन का तो आप अभी रहने दीजिए। हिंदी, चलो हम आरओ पीसीएस की ही बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम जब टारगेट देते हैं तो आरओ भी हमारे एग्जाम है, तो उसमें आप देख सकते हैं हिंदी का जो 60 नंबर का रोल है उसमें हम ये डेली रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम आपको टारगेट दें और आप ना करें, तो आप इसमें आप जो है जो कठिन शब्द हैं उसमें आपकी वाक्यमूर्तनी शुद्ध, तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वाक्यमूर्तनी शुद्ध का 20-30 शब्द अपना कर लेना। उसके बाद राज्य व्यवस्था, और हमारा साइंस हो रहा था जीएस में, हम आपका जीएस का पार्ट स्ट्रांग करवा रहे हैं। तो कोई भी किताब हो या बुक हो, जो भी आपके पास होगा, आप वहां से करते हुए चलना। पूर्वालोकन है तो बेस्ट है। कल हम आपको पूर्वालोकन के बारे में बताएंगे, खास बात कि पूर्वालोकन ही क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, और चीजें पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन पूर्वालोकन क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने आपको यहाँ राज्यसभा तक दिया हुआ था। आज आपको क्या करना है, कार्य संचालन कल आपको करना है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया संसद का तीसरा टॉपिक है 23 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा। राज्य व्यवस्था से कर लेना, किसी भी किताब से करना या जो जहां से भी करना, ठीक है, तो बस कर लेना, और जरूरी नहीं कि पूर्वालोकन ही होना चाहिए। तो ये रही आपका, अब हम देते हैं आपको विज्ञान से, ठीक है। तो विज्ञान ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक दे दिया था। अब हमने जो आपका भौतिक स्टार्ट किया था, तो भौतिक में आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ तक दिया था। आज आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, पदार्थों के गुण इम्पॉर्टेंट है और प्रकाश इम्पॉर्टेंट, तो ये दोनों 5 और 6 कर लेना आप, ठीक है। तो ये 5 और 6, 5 मतलब पदार्थों के गुण और छठा आपका प्रकाश, तो ये दोनों आपको आपका साइंस में कर लेना। उसके बाद ये रही आपकी राज्य व्यवस्था और साथ ही साथ हिंदी, तो ये रहे कुछ आपके टॉपिक, आई होप आप लोग करेंगे। और गर्मी बहुत हो रही है, अगर सकल देखना चाहो तो मैं भी दिखा दूँ कितने पसीने में डूबे हुए, इसलिए मैं सामने फ्रंट पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाऊँ तो उससे ज़्यादा तो पसीने में आ जाओ, ठीक है, चेहरा नहीं दिखेगा, बस पानी पूरे ऐसे लग रहे हैं तुरंत के तुरंत किसी ने मुंह पे पानी फेंका है, इसलिए चेहरा नहीं दिखा रही हूँ। तो आप लोग बस तैयार इसके साथ लगे रहो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोगों ने किसी नोट्स की बात करी थी कि भेज दो, मैं टेलीग्राम पर, कल संडे है, सारी चीज़ें आप लोगों की कमेंट पढ़ के, जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो भी है, मैं आपको सारी चीज़ें कल टेलीग्राम पर रिलैक्स होकर भेज दूंगी, ठीक। तो आई होप आप लोग करेंगे, तुम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।